पिछली क्लासेस में हमने यहाँ डेटा फीड किया, जैसे ईयर ऑप्शन दे रहा है, ये तो ईयर में 2022, सेशन जो भी हमारा है जुलाई, बेस टाइम 4 to 6, नेम फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, एड्रेस, ये हमने फिट किया। और जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो डेटा हमारे डेटाबेस में सेव हो जा रहा है, एनरोलमेंट नंबर जनरेट हुआ इनका 2। अब इसमें यहाँ पर हम जाएं तो यहाँ ईयर हमें फिट करना पड़ा, सेशन, बेस टाइम, तो हम चाहते हैं कि हमें टाइप ना करना पड़े, हमें एक सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाए यहाँ, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम ड्रॉपेबल लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें स्क्रॉल को क्लिक करें तो दोनों कोर्स हमारे शो हो, या सॉरी ईयर है तो ईयर शो हो, उसमें से हम ईयर सिलेक्ट करें, सेशन सिलेक्ट करें, टाइम बेस्ट टाइम जितने भी हमारे हों वो आ जाए। तो इसके लिए हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पर ईयर देना है, और इसके बाद जाना होगा डेटा टैब के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इसमें डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और यहाँ एनी वैल्यू है इसकी जगह सिलेक्ट करेंगे हम लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट में जाकर के आपको यहाँ सोर्स में आपका सिलेबस ईयर जो भी आपका लिस्ट बनाना हो वो आप डाल दीजिएगा। जैसे हम चाहते हैं लिस्ट में ईयर 2022 आए, 23 आए, 24 आए और 25, यहाँ तक ही आ रहा है। आगे के ईयर के लिए आप रिन्यूअल चार्ज अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप इस सॉफ्टवेयर को देंगे, डेटा सीट को देंगे, और फिर आप नया एड डाल करके, नया ईयर डाल करके उनको रिन्यू करके दे सकते हैं। आपको लगता है कि और भी ईयर का ऑप्शन होना चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ये कॉम्बो बन गया है। इस ड्रॉप डाउन में आप ईयर सिलेक्ट करेंगे, ऐसा ही ड्रॉप डाउन हम सेशन का चाहते हैं, तो डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे जुलाई और कॉमा जनवरी, ये 2 सेशन विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है तो हमने वो डाल दिए हैं। कहीं और कोई अन्य चीज़ की मांग करता है तो आप उसको आप असाइन कर देना, तो यहाँ जुलाई और जनवरी ऑप्शन सारे। बैच टाइम का ऐसा है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी बैच बनाना चाहें, कोई टाइम का कोई फिक्स बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है, है ना। तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक बैच का लोकेशन यहाँ पर दे दें, यहीं पे दे दें या किसी अन्य डेटा सीट में दे दें जहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज की फीस, बेस टाइम, एक्स्ट्रा बाकी चीज़ें, हमारे इंस्टॉलमेंट, वो सारे भी सेव हो सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम यहीं पर एक एक्स्ट्रा टाइम जगह पर हम दे रहे हैं, यहाँ हम बेच टाइम निर्धारण करने का ऑप्शन दे दें, आगे हम इसको चेंज कर देंगे बेच टाइम, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट अपने बेच का निर्धारण इतनी जगह में कर दें, ये हमने उनके लिए बना करके सेट कर दिया। और भी जगह हो सकती है, आपको लगता है कि इतने में काम हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही सेट कर देते हैं, इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर, ठीक है, ये हमने दिया। अब यहाँ हम बेस्ट टाइम लिखे, जैसे 7 to 9 है तो यहाँ हम बेस्ट टाइम लिखे और यहाँ इस बेस्ट टाइम वाले कॉलम में ड्रॉप डाउन आ जाए, ड्रॉप अप आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर देंगे, फिर डेटा में जाएंगे, वही डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत हम लिस्ट में जाएंगे और जो सोर्स है इसमें हमने पहले टाइप किया था, अब हम इसमें रेंज, ये रेंज का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे और रेंज, ये डेटा वैलिडेशन रेंज आएगा, यहाँ पर आप माउस से इसको रेंज बता दीजिए, ये जितना आप रेंज सिलेक्ट करेंगे उतना रेंज बन जाएगा, ठीक है। देन हम इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ ड्रॉप डाउन आ गया और इस ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप अप में आपको 7 to 9 दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा इससे, इससे ये कि आपने नेक्स्ट बेच बनाई 8 to 10 का, तो
यहां पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, आपको अपडेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां हमने ऑप्शन दे दिया कि आप चाहे उतनी पेज बना दीजिए, उसका टाइम जो भी होगा वो डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी का मामला तो हमारा नेम वगैरह का रह गए रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा ड्रॉपअप बनाना। ठीक है, चलिए अब जो हमारा डेटा सेव हो रहा है, जैसे हमने एक और एडिशन ले लेते हैं हम, कोर्स में अब हम लेते हैं पीजीडीसीए। पहले हमने लिया था डीसीए का, अब हम लेते हैं पीजीडीसीए। तो पीजीडीसीए का जैसे हम कोर्स लेते हैं और सेव को क्लिक करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं, तो यहाँ पाएंगे कि डीसीए और पीजीडीसीए एक ही डेटा सेट में हमारा सेव होता जा रहा है। इससे समस्या क्या रहेगी, इससे हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि डीसीए में कितने एडिशन हुए हैं, पीजीडीसीए में कितने एडिशन हुए हैं। टोटल एडिशन तो हमें पता चलेगा कि टोटल हमारे पास 3 हुए हैं, लेकिन डीसीए में कितने हुए हैं और पीजीडीसी में कितने हुए हैं ये यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम चाहेंगे कि डीसीए के अलग हो और पीजीडीसीए के अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा सीट में हमारा एडिशन हो। डेटा सीट में सेंस अलग अलग सीट ना रखते, हम एक ही सीट में सारे एडिशन लेंगे, लेकिन हमें पता चल जाए कि डीसीए में कितने एडिशन हैं और पीजी, यानी यहाँ सारे डीसीए क्या है और नीचे पीजीडीसीए क्या है, या ऊपर पीजीडीसीए और नीचे डीसीए, वो आपके ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो सेट कर सकते हैं आपको फिलहाल। तो इसके लिए हम जैसे हमारे एडिशन डीसीए में कितने हैं उसका एक कॉलम हम रख लें और पीजीडीसीए में कितना है उतना हम रख लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे कि हमारा, हम पहले ही सिलेक्ट कर लें कि डीसीए एडिशन किस कोर्स का है, डीसीए का है या पीजीडीसीए का है। तो ये कोर्स हमने यहाँ दे रखा है, इस कोर्स को सबसे टॉप में ले जाते हैं। पहले कोर्स सेलेक्ट करें, फिर ईयर सेलेक्ट करें, फिर सेशन, फिर बेच टाइम, फिर नेम, फादर नेम, एक्स्ट्रा। ठीक है, मोबाइल नंबर का भी अभी आप फील्ड रखना चाहें, और रखना ही होगा, हमें स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर भी तो चाहिएगा। तो यहाँ हम अपडेट कर दिए हैं मोबाइल नंबर, और इस डेटा फील्ड को हम थोड़ा ऐसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से फॉर्मेटिंग में संशोधन हुआ है तो बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देंगे। ऑल बॉर्डर पे जाना है, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, और कोर्स का भी हमारा ड्रॉपअप नहीं है तो हम कोर्स का भी ड्रॉपअप बना देंगे। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम लिस्ट, या तो सोर्स से दे दें, ज़्यादा कोर्स है तो इसी प्रकार इसकी लिस्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी आप दे सकते हैं, उससे ये होगा कि कोर्स के अकॉर्डिंग उसकी फीस भी आप बना सकते हैं, कितनी कहाँ फीस होगी, तो बेस्ट टाइम कोर्स फीस सब आप डिजाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सोर्स में जाकर के। तो यहाँ हम टाइप कर देते हैं डीसीए कॉमा पीजीडीसीए कॉमा टेली कॉमा सीपीसीडी। तो हमने चारों कोर्स को डिफाइन कर दिया है। एक और ये है सेटिंग, दूसरा है इनपुट मैसेज। इनपुट के समय आपको टाइटल मैसेज कोई देना है तो वो दे सकते हैं, अभी फिलहाल कुछ नहीं देना, लेकिन एरर अलर्ट को हमें स्टॉप करना है कि एरर अलर्ट स्टॉप, मतलब कोई एरर नहीं आए। इससे ये हुआ कि आपको यहाँ पर दोनों ही परमिशन रहेगी, आप चाहें तो यहाँ ड्रॉपअप से कोर्स सेलेक्ट करिए, या आप चाहें तो क्लिक करके और टाइप भी कर सकते हैं पीजीडीसी। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करेगा। बाकी जैसे ईयर वाला मामला है, यहाँ पर हमने जो एरर मैसेज है उसको डिसेबल नहीं किया है, तो इससे क्या होगा कि आप टाइप नहीं कर पाएंगे। यदि 2022 ऐसा भी आप ऐसा सही वैल्यू को तो ले लेगा,
लेकिन कोई अन्य वैल्यू को ये नहीं लेगा। तो यहाँ तो हम चाहते हैं कि नहीं ले ये, क्योंकि हमने पर्टिकुलर 4 साल का सेट कर रखा है। लेकिन जैसे सेशन हो गए, बेस्ट टाइम में आप कोई चाहते हैं, हालांकि ज़्यादा अच्छा है कि इनको तो आप स्टॉप करके रखें, उससे समस्या नहीं आएगी। लेकिन कोर्स को हम टाइप कर दें, ऐसे हमने परमिशन दे दी यहाँ पर, ठीक है। बेस्ट टाइम में भी क्या होगा कि ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ से सिलेक्शन वाला ही आ जाए तो वो ठीक रहेगा, नहीं तो आगे फिल्टर में हमें थोड़ा इश्यू आ सकता है स्पेस वगैरह का। एक जैसा डेटा हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर सेशन दे दिया है, बेस्ट टाइम हमारा हो गया है। नेम हम यहाँ पर डालेंगे, फादर नेम जो भी होगा वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, अरे 22 हो गया, मोबाइल नंबर और एड्रेस, एनी जो भी है। लेकिन अब हमारे जो फील्ड है उनमें थोड़ा करेक्शन हो गया है। यदि हम डाटा यहाँ से लेकर के जाते हैं तो फिर मिसमैच होगा, ठीक है ना। एक और कि हम इस डेटा का फॉर्मेटिंग थोड़ा ठीक कर लें, सिलेक्ट करेंगे और इसका अलाइनमेंट हम सेट कर लेते हैं, अलाइनमेंट सेंटर ही रखते हैं। और ये जो फील्ड है सेम एज इट इज फील्ड, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और डेटा सीट में जाएंगे। सबसे पहले ईयर है तो यहीं पर हम क्लिक करते हैं और पेस्ट स्पेशल में ट्रांसफो हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये फील्ड में करेक्शन हो गया हमारा। और इसके बाद यहाँ यहाँ कोर्स फीस था, यानी एक कॉलम के भी हमें आवश्यकता है, तो इंसर्ट से एक कॉलम हम इंसर्ट कर लेते हैं। अरे ये सिलेक्ट था पूरा। यही राइट क्लिक, इंसर्ट वन कॉलम, ये इंसर्ट हो गया। और इस फीस को, यानी इस फॉर्मूले को उठा करके हम यहाँ रख देंगे और इसको आगे हम सभी पर लागू कर देंगे। इसमें अब हमें फॉर्मूला रखना ही नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ये खाली आएगा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम PGDCA का कोर्स आगे रखना चाहेंगे, तो यहाँ रखना चाहेंगे हम DCA। तो DCA की हमारे पास जितनी सीटें हैं उतना हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और 50 सीट तक का मामला हम इसको सेट कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी हम आगे समझेंगे। इतना हमने क्यों खींचा है उसका कारण भी आगे जिक्र करेंगे इसमें। फिलहाल के लिए हमने कोर्स DCA के सेट कर दिए हैं, सेम एज इट इज हमारी फील्ड PGDCA की रहेगी। तो इन फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और जो कॉलम है, यदि जैसे 50 सीट है तो 50 से ज़्यादा आप जगह लेकर के बाकी PGDCA के लिए आप यहाँ पर आकर के फील्ड को पेस्ट कर दीजिए, डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हमारे कोर्स हमारा हो जाएगा PGDCA, ठीक है। इसी प्रकार PGDCA के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनका हम लोकेशन सेट कर देंगे। अभी जिस सॉफ्टवेयर को हम DC PGDCA के लिए निर्धारित कर रहे हैं इसमें आगे पूरा करेक्शन कर दिया जाएगा, लेकिन हम कई प्रकार की कंडीशन को आपको बताना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं इस असाइनमेंट के अंतर्गत, इसलिए हम इसको देखें, यानी कहाँ कमी हो रहती है। हम कोई डिज़ाइन डेवलप करते हैं तो उसको कितने प्रकार से हम कर सकते हैं वो कंसेप्ट भी हमें समझने होते हैं। दूसरा, जब तक हमारे सामने वो डेटा शो नहीं होगा तो उसके एरर्स हमारे सामने नहीं आएंगे और उसका नया तरीका हमें समझ में नहीं आएगा। अब हम चाहेंगे कि जो हमारा एडमिशन हो, जब PGDCA में कोई एडमिशन हमने लिया है तो ये पूरा डेटा उठ करके कहाँ आए, इस PGDCA वाले कॉलम पर, यानी यहाँ पेस्ट हो। मैक्रोस हमने पिछली उसमें कॉपी किया था तो हमारा डेटा कहाँ आ रहा था, यहाँ आकर के इसमें पेस्ट हो रहा था,
लेकिन इसी लिस्ट में, एक ही लिस्ट है। लेकिन अब यहाँ पर दो डेटाबेस है, एक डीसीए का एक पीजीडीसीए। तो जब एडमिशन डीसीए में आ रहा है तो हम क्या चाहेंगे कि डेटा यहाँ पेस्ट हो चारों रिकॉर्ड के बाद, और जब पीजीडीसीए में एडमिशन आ रहा है तो हम क्या चाहेंगे कि डेटा यहाँ पर पेस्ट हो। ठीक है, यानी एक कंडीशन है डीसीए का डेटा डीसीए में और पीजीडीसीए का डेटा पीजीडीसीए। तो ये कार्य कैसे होगा, इसके लिए हम यहाँ पर असाइन करते हैं मैक्रो, सॉरी फिल्टर। अब हमें समझना है फिल्टर को, फिल्टर क्या होता है। तो फिल्टर एक बड़ी लिस्ट में उस डेटा को शो करता है जिसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, जैसे ये हमारी है फील्ड, और इस फील्ड में आप इस पूरे फील्ड सेशन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर लगा दीजिए आप फिल्टर। डेटा में गए और डेटा में फिल्टर पे गए, तो यहाँ ये सब फिल्टर लग जाएंगे। इस फिल्टर से ये होगा कि पूरे तमाम डेटा में से जिस भी फील्ड के आधार पर आप उसकी वैल्यू के आधार पर चाहते हो वो यहाँ से शो करवा सकते हो। जैसे कोर्स में गए तो कोर्स में डीसीए, एक ही कोर्स आ रहा है डीसीए शायद, डेटा सिलेक्ट, ये हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। असल में यहाँ से फील्ड नेक्स्ट हो गया ना, इसलिए। तो हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल देखने के लिए, यहाँ कोर्स कुछ डिफाइन कर देते हैं, पीजीडीसीए, पीजीडीसीए और पीजीडीसीए ये है। ठीक है, इसमें भी एक पीजीडीसीए का रिकॉर्ड कर देते क्योंकि बेसिक फिल्टर है ये, डीसीए और पीजीडीसीए। अभी डीसीए पीजीडीसीए में सिर्फ पीजीडीसीए का डेटा चाहिए, तो हम फिल्टर में जाएंगे और डीसीए को अनचेक करेंगे, देन ओके करेंगे। क्या क्या फिल्टर ने सिर्फ उन्हीं डेटा को शो किया जिन फील्ड में, जिन रो में पीजीडीसीए है। तो फिल्टर बस हमें यानी बड़े डेटा में से उन्हीं डेटा को देगा जिसकी हमें आवश्यकता है, ठीक है, बाकी को छिपा देगा। तो यहाँ पर फिल्टर जो एक बेसिक सा फिल्टर है उसको हमने लगाया। हमें पूरा डेटा चाहिए तो फिल्ड से हम फिल्टर में जाएंगे और इसको क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फ्रॉम कोर्स, तो ये सब डेटा आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो यहाँ हमारा डीसीए है, सभी में डीसीए हैं, और नीचे हमारा पीजीडीसीए है। तो हम चाहेंगे कि डीसीए और पीजीडीसीए की पूरी लिस्ट में जब डीसीए हो तो यहाँ डीसीए की लिस्ट आए, और जब पीजीडीसीए हो तो पीजीडीसीए की लिस्ट आए। ठीक है, तो इसको फिल्टर के थ्रू करने के लिए हम एडवांस फिल्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। एडवांस फिल्टर काम करता है डेटा कंडीशन के आधार पर, कोई भी कंडीशन आप दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पर बारी बारी से दो तीन फिल्टर कंडीशन देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे इसमें एडमिशन में एक 4 से 6 भी है और एक 8 से 10 भी है। इस प्रकार के और भी एडमिशन हो सकते हैं जिनका बैच टाइम, यानी कोर्स तो एक है डीसीए डीसीए, लेकिन उनके बैच टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है एडमिशन फीस, यहाँ तक तो सही है। इन फील्ड को हम मैनेज कर देते हैं इधर, तो डेटा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ तो ईयर है हमारा, हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें। यहाँ 4 से 6, ठीक है, एक बैच का टाइम चेंज कर देते हैं। ये सिर्फ हम कर रहे हैं फिल्टर को समझाने के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ 8 से 10 भी है, कुछ 4 से 6 भी है, कुछ 9 से 10 भी है। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है। सेशन और ईयर तो सभी का फिलहाल एक ही है, लेकिन इधर कोर्स की यदि बात करें तो कोर्स भी यहाँ पर, इधर भी कोर्स आ गया, इधर इधर वैसे मोबाइल नंबर होना चाहिए था, इधर कोर्स है डीसीए पीजीडीसीए। फिलहाल
फिलहाल इसकी फील्ड अभी हम समझने के लिए सिर्फ कोर्स दे रहे हैं, सिर्फ फिल्टर समझने के लिए वापस इसको चेंज करेंगे। तो फिल्टर क्या करता है या एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है, उदाहरण के तौर पर हमने यहां पर फील्ड लिया या एक रो लेकर के ऊपर ही हम ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंसर्ट में एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं, और हम जो डेटा चाह रहे हैं फर्स्ट में तो चाह रहे हैं कोर्स, इक्वल हम दे देते हैं कोर्स, और यहां हम देंगे वैल्यू जैसे DCA है। इसी प्रकार हम दे देते हैं इसमें बेस टाइम, इक्वल करके हमने एड्रेस दिया तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ चली जाएगी, जैसा एक्सेल में होता है। कोई भी वैल्यू आप कहीं की पास करना है, इक्वल लगाइए देन उस सेल का एड्रेस दे दिए, तो वो वैल्यू जो भी है वो दूसरे को पास कर देगा। बेस टाइम आप जो भी देना चाहें तो वो टाइप कर दीजिएगा, जैसे हम 4 to 6, लेकिन आप देखो 4 to 6 में 2 के पास स्पेस नहीं है, तो फिर हम ऐसा ही देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये डेटा दिखाई दे इसके लिए हम इसका कलर चेंज कर देते तो अब हम एडवांस फिल्टर का यूज कर रहे हैं। कोर्स में कौन सा, इधर वाले कोर्स नहीं देखिएगा अभी, तो ये सब जगह डीसी डीसी लिखा है। इनमें डीसी और पीजीडीसी में से हम चाहते हैं सिर्फ डीसीए, हम चाहते हैं सिर्फ पीजीडीसी। ठीक है, तो हम यहां पर एक फिल्टर लगाते हैं, एडवांस फिल्टर। डेटा में जाना, एडवांस में जाना है, फिल्टर एक तो हमने ये लगाया था, डायरेक्टली क्लिक किया था, अब हम एडवांस को क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस फिल्टर में पूछ रहा है लिस्ट रेंज, आप वो लिस्ट उसका रेंज दीजिए उस लिस्ट का जिसमें से आपको डेटा चाहिए। तो ये हमारा पूरा सिलेक्शन आ गया। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा आप समझ में नहीं आ रहा कितना डेटा सिलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए और फिर से ये इसको क्लिक करिए रेंज को, और यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लीजिए कि हमारी ये रेंज है। तो यहाँ देखिए डेटाबेस सीट का नाम है, ए क्या है तो ए कॉलम है, ए का कौन सा नंबर, तीसरा, ये तीसरा, यानी A3 से तो कहां तक, L13 तक, ये L और ऐसे में 13 है, ये रेंज आई है। लेकिन आगे का डेटा आ नहीं रहा है इसमें, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा डेटा सीट, तो हमारे कितने रिकॉर्ड है, माना कि हमारे 130 रिकॉर्ड है, तो हम टाइप कर सकते हैं 130, तो ये कहां तक आगे पहुंच गया, जो लाइनिंग आ रही थी वो खत्म हो गई यहां से, यानी L130 तक का डेटा सिलेक्ट हो गया है, 130 तक का। आपको लगता है कि आपके डेटा सेट में और ज्यादा डेटा है, तो कहां तक का हो गया ये, 1300 तक, 1300 रिकॉर्ड इसमें सिलेक्ट हो गए। यदि एक और जीरो लगा दिया तो 13,000, और एक और जीरो लगा दिया तो, यानी आप कितना डेटा दे सकते हो रेंज, 10,48,576, जितने आपके रो है उनको आप टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो माउस से सिलेक्ट करना, कीबोर्ड से कर सकते हैं, एक वाया टाइपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ टाइप कर दिया देन इसको क्लिक किया, तो ये रेंज हमारी पूरी सिलेक्ट हो गई। उस रेंज में यहाँ पूछ रहा है कि आपके क्राइटेरिया बताइए, आपको क्या डेटा चाहिए, तो हमारा क्राइटेरिया हमने यहाँ पर निर्धारित कर रखा था। तो ये अलग अलग फील्ड है, तो हमने दिया फील्ड, उस फील्ड में कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें डीसी वाली चाहिए, इसलिए हमने एक सेल में लिखा है उसका फील्ड का नाम, दूसरे में लिखा है हमने उसका वैल्यू। तो फील्ड क्या है, कोर्स, क्या इसमें कोर्स है, बिल्कुल है, और उसका वैल्यू डीसी, हालांकि यहाँ पे मिसमैच होगा, मिसमैच क्या होगा, इधर भी डीसी और कोर्स है, तो ये सही मापक नहीं होगा। अभी फिलहाल हम टाइमिंग के आधार पर देख सकते हैं ये हमारा सही माप है, तो हम क्राइटेरिया रेंज में टाइम देते हैं, पेज टाइम, बोले हमें इस पूरे डेटाबेस में से फील्ड है बेज टाइम, उसमें 4 से 6 वाले डेटा चाहिए, तो एक्सेल उसको डेटा को देखेगा, मैच करेगा, और जो डेटा आपकी शर्त के अकॉर्डिंग बैठ रहा है उसको आपको दे देगा, बाकी को छिपा देगा। ठीक है, करते हैं हम क्लिक, ओके, वही डेटा आया 4 से 6 वाला। यहां भी कर सकते थे, पर इधर डीसी तो वो मिसमैच देखेगा, वो क्या क्या कहना चाह रहा है, दो जगह कोर्स फील्ड भी सेम है, कोर्स भी सेम, यदि इसकी फील्ड डिफरेंट होगी तो फिर वो इसी को डिटेक्ट करेगा, लेकिन सेम था इसलिए हमने कंडीशन नहीं दिया। यानी क्या किया, ये एडवांस फिल्टर किसके आधार पर, हमारी कंडीशन के आधार पर। पिछले फिल्टर में पूरा
पूरे एक पर फिल्टर लगा दिया था, हम जो चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां पर हमने टाइप कर रखा है, ठीक है। और इस कार्य को आपने यदि मैक्रो में असाइन कर दिया तो आप एक क्लिक में कुछ नहीं करना, आपको एक क्लिक में टाइप कर टाइम को चेंज करिए, देन क्लिक करिए, आपको वो टाइम आ जाएगा। तो इसका एक हम मैक्रो डिजाइन करते हैं और क्लिक से काम करके देखते हैं कि क्या वाकई में एक क्लिक करने पर हमारा डेटा ये दे देगा। चलिए, तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो जो मैक्रो हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया उसको हम इरेज कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइम ड्रॉप डाउन में दे दें, टाइम सिलेक्ट करें टाइप करने की अपेक्षा। तो ड्रॉप डाउन देने के लिए क्या करें, इक्वल एडमिशन वाली में ड्रॉप डाउन बना है, यहाँ ड्रॉप डाउन बना है, तो इसका एड्रेस पास कर दिया, यानी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, यहाँ पे नहीं बना के ड्रॉप डाउन बना था, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना है, यहाँ ड्रॉप डाउन नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, वैल्यू में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, रेंज में जाएंगे, रेंज कहाँ है हमारी एडमिशन वाली पर, और यहाँ हमारे बेस्ट टाइम है, तो ये सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखो इसमें 4 to 6 हमने टाइप किया था, ठीक है ना, और जबकि हमने यहाँ पे 4 to 6 का रेंज बनाई नहीं, तो हम यहाँ पे टाइप कर दें 4 to 6 में स्पेस नहीं है तो ऐसे ही डालना है आपको। अब आप यहाँ ऐसा डालेंगे क्यों, क्योंकि आपके डेटाबेस में ऐसा ही है बिना स्पेस का, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया क्या, ये आ गया, ठीक। चलिए अब इसका हम एक मैक्रो असाइन कर रहे हैं ताकि क्लिक करने पर डेटा हमारा शो हो जाए, एनी जो भी पेज हमारी है। 8 to 10 आ रहा है क्या इसमें, बिल्कुल आ रहा है, 7 to 9 भी आ रहा है, पर 9 to 10 का नहीं है इसमें, है ना, उसमें स्पेस 7 to 9 में है, वो हम सही कर लेंगे, देख लेंगे आगे, 7 to 9 तो बेच ही नहीं है इसमें, है ना, वो हम बना लेंगे आगे। अभी एक मैक्रो इसका असाइन करते हैं, तो डेवलपर में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करना है, काहे के लिए मैक्रो बना रहे हैं हम, फिल्टर के लिए, ठीक है। तो हम डेटा फिल्टर नाम दे सकते हैं इसका, या फिल्टर, ठीक है, ओके कर दीजिए। मैक्रो फिल्टर का ऑलरेडी रेक नो करेंगे, ये हो सकता है एडवांस फिल्टर में हो, न्यू फिल्टर या डेटा फिल्टर ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसमें एरर नहीं है। मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू है, चालू रहते हुए हमें क्या करना है, डेटा में जाना है और एडवांस फिल्टर को क्लिक करेंगे, रेंज पूरा सिलेक्ट कर दिया, तो इस फील्ड को आपको इस रेंज से बाहर रखना है, बाहर मतलब रेंज यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसको हम जो रेंज आई है उसको सिलेक्ट अनसेलेक्ट हटा देंगे इसको, और यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करें। 9 आ रहा है, 0 0 0, 9000 तक का डेटा सिलेक्ट हो गया। अब हम क्राइटेरिया रेंज देंगे, इसको हटा देना है, और वैसे वही आया था फिर भी हमने हटा दिया उसको, क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। कहाँ तक का डेटा है हमारा, 4 to 6 का है, बस ये फिल्टर रिकॉर्ड हो गया है मैक्रो। अब हम इसको बंद कर देंगे, कहाँ पर जाएंगे, डेवलपर में स्टॉप, ठीक। अब हमारा फिल्टर का एक मैक्रो बन गया है, हम उसको असाइन कर देंगे, शेप में जाएंगे और एक शेप ले लेते हैं हम, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे, कौन सा है, डेटा फिल्टर नाम से, जितने भी मैक्रो बनाए उनका जो नाम दें वो उनकी कार्यपद्धति के आधार पर दे दें आप, ठीक है। अब हम किसका कौन सा डेटा चाहते हैं इसमें, हम चाहते हैं 8 to 10, ठीक है, क्लिक करेंगे। क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम, सिर्फ बेस्ट टाइम, ठीक है। जैसे ही हमने बेस्ट टाइम सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं बेस्ट टाइम 7 to 9, क्लिक करेंगे, बोले कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वाकई में नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो बेच यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा, 2 एडिशन और 4 to 6 में 4 एडिशन। तो इस प्रकार से आपको विथ मैक्रो यहाँ पर फिल्टर चलाना। अब इसका यूज, एडमिशन लेंगे और हम जिस कोर्स में एडमिशन लिया है
उसी में उस डेटा को फिट करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कैसे वो काम करेंगे, ठीक है।